आधे घंटे में आ रहा हूँ, रेडी हो, पहले लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे फिर पार्टी करेंगे। हेलो, हाँ सुना ना तुमने, जल्दी रेडी होना, टाइम मत लगाना। आज के लिए तो मैं किडनैप कर रहा हूँ, क्योंकि साल का आखिरी दिन और साल का पहला दिन तुम मेरे साथ मनाओगी और किसी के साथ नहीं। जी पीके, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस पीके। बाय जी। प्लीज सुनो मुझे, मैं क्या कर रही हूं, मुझे कहीं नहीं जाना। ज्यादा पैर और जुबान ना चलो, लग जाएगी। अरे जी प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। जी 31st हम दिखा रहे हैं, तो 31st के हिसाब से कुछ ही घंटे रह गए हैं फर्स्ट के न्यू ईयर के लिए। तो जय का प्लान है कि आध्या उसके साथ न्यू ईयर मनाए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना मनाए, तो उसको बस उठा के उसके घर से किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहा है। प्लान तो बहुत खास है, जय ने बोला है कि तुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई सरप्राइज़ दूंगा। तो पहले कहीं उसको एक केक शॉप में लेके जाता है, उसके लिए केक बनाता है, कुछ खाने के लिए बनाता है, शेफ़ बन जाता है, फिर उसको एक लेटर देता है बहुत स्वीट सा, फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर सा फायर क्रैकर्स का आतिशबाजी प्लान कराई होती है। काफ़ी सारे प्लान्स किए हुए हैं और बहुत ही एक स्वीट और क्यूट जेस्चर है। जेलेसी मेरे ख्याल से वो है कि ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है, तो जय का कंसर्न ये है। पर हाँ, शायद जेलेसी भी है जो शायद अभी तक जय को समझ नहीं आ रही। कई बार हो जाता है हम अपने फ्रेंड के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या फिर पोजेसिव हो जाते हैं, तो अब शायद जय और आध्या का भी यही फिक्स चल रहा है। भैया तू मूवमेंट कर, देखो म्यूजिक बजा रहा पीछे, देख। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।